हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में यह चर्चा करूंगा कि जॉब के बाद पर्सनल लाइफ में क्या क्या चेंजिंग हो जाती है। जब आप ज्वाइन कर लेंगे ना, तो बहुत सारे ऐसी पर्सनल लाइफ है जो बहुत ही सीमित दायरे में बंद हो जाती है और आप खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज छठ पूजा है और हम बिहारियों के लिए दोस्तों यह छठ एक पर्व नहीं, महापर्व है। और इसमें भी आज मेरा ड्यूटी है, हम घर नहीं गया हुआ हूँ क्योंकि आज मेरा ड्यूटी है। तो सोचा कि थोड़ा ड्यूटी से पहले ही थोड़ा आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर कर लूँ, ताकि थोड़ा अंदर का जो फीलिंग है ना, वो आप लोग के साथ भी थोड़ा शेयर कर लूँ। क्योंकि दोस्तों, हम लोग को तो याद आते ही है छठ पूजा का, जो बचपन हम लोग इतना नया तरीका से, जब हम जॉब नहीं किए थे उससे पहले हम लोग मनाते थे, इतना बहुत मजा आता था। लेकिन क्या किया जाए, वो तो याद आ ही रहा है। आदमी अभी तो तो सोचता है कि जॉब कर लेंगे तो बहुत अच्छा लाइफ हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपका जो बहुत सारे ऐसा चीज है ना, जो पर्सनल लाइफ होती है ना, वो सभी एक सीमित दायरा में बंद हो जाती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट्स लाइफ ही बहुत अच्छा लाइफ होता है। इसमें आप खुल कर जी सकते हैं, जब माने जब आप घर आ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग भी छठ पूजा अच्छा से मनाइए। कोई भी त्यौहार है वो अच्छा तरीके से सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको फिर बाद में नहीं मिलेगा। जो अभी लाइफ आप जी रहे हैं ना, वो लाइफ आप सोचते होंगे जॉब करने के बाद पूरा मस्ती होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब करने के बाद भी आपको दोस्तों छुट्टी नहीं मिलेगा, तब तो कैसे क्या सेलिब्रेट कीजिएगा, समझे कि नहीं। पहले ही आपको लेटर निकल जाता है कि भाई इस जैसे छठ पूजा हो गया, दिवाली, होली हो गया, इसमें आपको पहले ही लेटर निकल जाता है कि इसमें आपको छुट्टी नहीं दिया जाएगा। अगर आपको छुट्टी लेना भी है तो आपको डिवीजन से परमिशन लेना पड़ेगा। तो बस यही होती है। तो इसीलिए आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई भी कीजिए, और पढ़ाई के साथ साथ आप अच्छा तरीके से सेलिब्रेट कीजिए और अपने फैमिली को समय दीजिए, समझे कि नहीं। क्योंकि आप जॉब जब कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप लोग फैमिली से उतना ज़्यादा टाइम दे पाइएगा। देखिए, हम लोग अब घर भी जाते हैं तो मेहमान की तरह घर जाते हैं, बस 10 दिन 12 दिन के लिए घर जाते हैं, फिर वहाँ से फिर आना ही पड़ता है। तो इसीलिए अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए और अभी सेवा कीजिए, समझे कि नहीं। क्योंकि ऐसा मौका आपको नहीं आएगा, और यही जब ज्वाइन कर लेंगे ना, तो आपको घर का याद बहुत बहुत ज्यादा याद आएगा। तो इसलिए आप लोग मम्मी पापा का बहुत जितना हो सके उतना आदर सत्कार कीजिए, पापा को अपना प्यार दीजिए। यही अच्छा लाइफ है, और क्या कीजिएगा। हम लोगों को भी याद आता है, जब भी अभी छठ पूजा का जो शारदा सिन्हा का गाना बजती है तो हम याद आ जाता है, घर का याद आ जाता है और रोना भी आ जाता है। लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस आप लोग भी अगर घर पे हैं तो आप लोग अच्छा से एंजॉय कीजिए, अगर घर भी नहीं गए हैं तो क्या कीजिएगा। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि छुट्टी सभी को मिल जाएगा तो फिर ट्रेन चलेगी कैसे, समझे कि नहीं। क्योंकि ट्रेन तो 24 घंटा चलता है ही, अगर लेटर भी नहीं निकलता है तो क्या करेगा, सभी छुट्टी लेकर भाग जाएगा, जिसको सभी सोचता है कि भाई हम घर पे जाएं। तो खैर, कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पे मना लेंगे, और आप लोग बस आप लोग अच्छा से मनाइए। आप लोग भी पढ़ाई के साथ साथ मस्ती कीजिए, ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके पूरा आप यही इसी में भीड़ जाइए। बस छठ पूजा है तो अच्छा सेलिब्रेट कीजिए, अपना फ्रेंड दोस्त लोग के साथ घूमिए, दोस्त लोग के साथ अपना पूरा मस्ती कीजिए, फुल एंजॉय कीजिए। क्योंकि यही समय होता है अपने दोस्त के साथ मिलने का, नहीं तो फिर आप ज्वाइन कर लेंगे ना, तो जब आप घर जाएंगे तो वो दोस्त नहीं घर पे रहेगा, और वो जाएगा तो आप घर पे नहीं रहेंगे। तो यही होता है, कोई आपसे मन मिल ही नहीं पाएंगे, ऐसा समय आ जाता है। तो इसलिए अपना सेलिब्रेट के साथ साथ अपना पढ़ाई भी जारी रखिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय छठी मैया।